हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, सब मस्त है ना। सुबह सुबह वाटर क्रॉसिंग जैसे राइड शुरू होते पहले वाटर क्रॉसिंग मिल जाते। ये वाटर क्रॉसिंग इधर ही मिलते हैं, आगे देखते हैं अभी मिलते हैं क्या नहीं। अभी बजा है 7:30 और मॉर्निंग का और सुबह का 7:30 को मैं निकला हूँ अभी राइड पर। आज जा रहा हूँ एक मीटअप राइड, कोलेब्रेशन राइड, जो दो एंटर लोग के बीच में होने वाला है। मतलब दो एंटर का टीम है, दो एंटर का टीम के बीच में एक कोलेब्रेशन होने वाला है। तो उसके लिए निकला हूँ अभी राइड पे। अभी गोरेगांव जाना है। गोरेगांव वेस्ट में ही है, अपना एक ऑफिस है माइंड स्पेस करके, उसके बाजू में ही है या उसके उधर ही है किधर। तो मैं अभी निकला हूँ जू से और चलो अभी जाते हैं राइड पे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग राइड, बहुत टाइम के बाद अभी मारने चालू किया मैंने। रास्ता खाली है लेकिन बहुत गिल्ला है। बारिश बहुत आ रहा था, रात भर पूरा बारिश था और अभी बारिश रुका है। रेनकोट मैंने कैरी किया, अभी पहना नहीं है फिलहाल, लेकिन कैरी तो किया है क्योंकि बारिश का बोल नहीं सकते। पूरा दिन अभी बारिश ही बारिश था। मेरे को इधर से इतना दूर नहीं है, मेरे को मेरे इधर से जो स्पॉट पे जाना है, जो जगह पे जाना है मीटअप करने, वो मेरे लिए सिर्फ 30 मिनट का ही डिस्टेंस है। तो उसके लिए मैं 7:30 को निकला हूँ और रास्ता भी खाली है तो जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। तो जब सामने गाड़ी जाती है ना तो वो बोलते हैं ना पानी का जो ज़मीन पे बुंदे रहते ना, जैसे रास्ते पे जो पानी है ना वो आग पे आता है थोड़ा सा। मतलब वो आगे गाड़ी जाती रहेगी ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और अभी बात करते करते पहुँच गए जू चौपाटी पे। सुबह सुबह पब्लिक वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग सब करते। इधर इधर देखो राइट साइड में ऑयल गिरा है और इधर कोई ना तो कोई स्केट हुआ ही रहेगा शायद से, तो ऑयल भी बहुत जास्ती गिरा है। इसके लिए ना टर्निंग्स पे राइड करना बोला ना, थोड़ा सेफ्टी पकड़ के राइड करने गए थे, स्लोली जाने गए थे भाई, कि ऑयल पे बोल नहीं सकते। कौन से भी बाइक, कौन सी भी कार कभी भी स्लिप हो सकती है। कार से एकदम तो कंट्रोल में आ सकते हैं लेकिन बाइक स्लिप हो गई तो जल्दी कंट्रोल में नहीं आती है। अभी पहुंच गया जे डब्ल्यू मैरेट अभी क्रॉस किया जस्ट जू का। जे डब्ल्यू मैरेट स्पीड अच्छा खासा 40-50 पे ही है, जास्ती नहीं भगा रहा हूँ मैं। ये एक रास्ता अच्छा है, ओपन रहता और ये देखो पीवीआर मॉल अभी क्रॉस किया है और ये रास्ता खाली रहता है तो अच्छा लगता है चलाने में। और अभी सुबह का टाइम है तो संडे भी है ना तो जास्ती क्राउड नहीं मिलते, रास्ता खाली ही मिलते और बारिश का सीजन है। आज तो बारिश अभी तो फिलहाल नहीं है, बोल नहीं सकते कभी आ जाएगा। ये रास्ते का पूरा बैन बजते है ना तो डर लगता है यार रास्ते पे चलाने के लिए। गाड़ी का भी हालत खराब होता है ऐसे रास्ते पे जाएगा तो। फिर देखा ना खड्डे बीच बीच में दिखने में आता रहेगा कैमरा में। डीएन नगर पहुंचा हुआ अभी और डीएन नगर का भी रास्ते का हाल देखो अभी कैसे। ये देखो पूरा खड्डे। ये रास्ते अपने इंडिया के, मुंबई के रास्ते देखो, ऐसा रास्ते मिल गए मुंबई में आप लोगों को। और ये भी अभी बोलते हैं ना अच्छा खासा वाला जगह पे। ये देखो ये साइड पूरा खराब, लेफ्ट साइड पूरा खराब। चलाएगा किधर, रोड टैक्स लेते सब गाड़ी पे, इतना फाइन मारते हर एक सिग्नल पे ये वो। सुन
अरे चलाएगा कौन ये रास्ते पे, रोड बनाएगा कौन? ठीक गवर्नमेंट की ऐसी बाकी ऐसा रास्ते पे चलाने लाइट भी नहीं है, पता है क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट होता है, ये होता है, वो होता है, पब्लिक का फॉल्ट नहीं है, ये रास्ते का फॉल्ट है। पब्लिक आराम से जाएगा तो भी ये रास्ते पे एक्सीडेंट होना ही है। ये देखो, देखा ना कैसा खड्डे है, ऐसा समय अभी फोर व्हीलर आगे जाती रहेगा, उसके पीछे बाइक वाला रहेगा, उसका समझ में भी नहीं आएगा अंदर उसके नीचे खड्डा था करके, वो आराम से जाते जाते भी उसके नीचे जा सकते गप करके खड्डे में घुस के। लोअर ओसीवारा में पहुंचा हूँ अभी मैं, लोअर ओसीवारा मेट्रो स्टेशन के नीचे, और थोड़ा सा आगे 60 मिनट का रास्ते, और 60 मिनट का रास्ते पे जाने के बाद लेफ्ट लेना है, ये एक मेट्रो का स्टेशन मिलेगा, इसके बाद और एक मेट्रो का स्टेशन मिलेगा, उधर से लेफ्ट लेना है। जो सीट कवर मैंने पहना है ना बहुत अनकम्फर्टेबल है, बारिश के लिए डालने गिरा, बोले ना बार बार स्लिप होकर आगे निकल रहा हूँ मैं, बार बार स्लिप हो रहा है कंटिन्यूसली बार बार मेरे को एडजस्ट करने गिर रहा है। अरे देखो ट्रिपल ट्रिपल भाई साहब ट्रिपल घूम रहे हैं, वो भी एजेंट लोग मस्त, क्या बोलेगा अभी, मजा मजा ही है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, इधर से आगे से लेफ्ट लेना है, बस लेफ्ट में ही है, ये वाला लेफ्ट नहीं आगे वाला सिग्नल के उधर से लेफ्ट लेना है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे माइंड स्पेस के उधर। रास्ता देखो आज कितना खाली है, नहीं तो ऐसा खाली नहीं मिलता यार, बहुत गर्दी रहते है, आज संडे उसके लिए खाली मिले, नहीं तो ये पूरा ऑफिस लाइन है ना, तो इधर खाली नहीं मिलते कभी। और बारिश भी आने वाले लगते हैं, बारिश आने के पहले पहुंचा तो अच्छा है, फिर भी बारिश आएगा तो अभी उधर कोई छाव के लिए जगह नहीं है। बस तो चालू है ना, तो उधर बैरिकेड लगाया था तो मेरे को लगा कि रास्ता बंद भी नहीं क्या, लेकिन चालू है, तो इधर अच्छा खासा बैठने के लिए भी जगह बनाए गए। और रास्ता देखो कितना खाली है, इधर मैराथन है साइड से, पब्लिक भाग रहे जबरदस्त भाग रहे, पब्लिक है तो यहाँ जॉगिंग कर रहे रनिंग कर रहे सब कुछ कर रहे। और ये मेरे सामने से एग्जैक्ट सामने से कबूतर गए। शेट यार शेट, मैं आज भी लेट हूँ, 8 o'clock पहुँचना था, मैं जगह ढूंढने के चक्कर में इधर से इधर घूम रहे हैं 8 o'clock बच के गए, 8:10 हो गया था अभी मैंने जब टाइम देखा था तो। ओ भाई साहब ये स्पीड ब्रेकर बहुत भारी लग रहा है, अच्छी गावट नहीं सब कुछ स्पीड ब्रेकर बना था यार, इतना मोटा इतना लंबा, अच्छी गावट सच में ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर बनाते। वो सामने मेरे एक दिखा बंदा एंटोक वाला, उसको अभी लोकेशन पता है क्या, मेरे को आइडिया नहीं है, या वो भी मेरे जैसे ही घूम रहे मैं उसको फॉलो करते जा रहा हूँ, अभी देखते हो किधर जा रहे करके। ये तो ये शॉप पे रुको, अभी इधर चाय पी के हम लोग निकलने वाले, और इधर अभी हम लोग 4 जन हो गए बात करते करते इधर ही। तो इसका देखो एग्जॉस्ट का साउंड देखो, बीपी चला निकला इसमें, तो एग्जॉस्ट का साउंड भी आ रहा है अभी जबरदस्त। ऐसा साल पहले कुत्ते पीछे लगते तो वही एक रहते सीन। क्लाइमेट ना बहुत ही अच्छा है भाई सच में यार, सिर्फ ना बारिश अभी आने नहीं चाहिए, बाद में आएगा तो चलेगा जाते हुए, अभी नहीं आनी चाहिए, अभी बारिश आएगा तो पूरा एलएल हो जाएगा। ओ भाई सब देखो आगे दिखने में आता रहेगा, पूरा एंटर का ग्रुप, पूरा का पूरा एंटर का ग्रुप। अरे डीपी किरण लगा के मेरे पीछे से घूम घूम,
अरे देखो अपने पब्लिक व्हाट्सएप तो ये पूरा एंटर का ग्रुप है, अभी दो एंटर वाले मिलने वाले। हाँ ओ व्हाट्सएप भाई, ये देखो अभी इधर देखने में आता रहेगा, लाइन से एंटर कर और आगे जाएगा तो पल्सर और बाकी बाइक भी है। तो अभी बाइक का दिक्कत हो, मैं ये देखो मॉडिफाइड, ये देखो रैप, फुल रैप और एक रैप, ये क्लासिक मॉडिफाइड जिसको भी रैप किया गया, मॉडिफाई भी मस्त किया, ये रैप करके रखा, इस पे फोटो भी अपना पाजी का, पाजी फैन। और ये देखो आगे पूरा इंटॉक था लाइन से, वो सब नए नए पब्लिक दिख रहे अभी, पता नहीं क्यों। अच्छा भाई कैसे? और ये अभी इधर डोमिनार और इधर रॉयल इनफील्ड और इधर KTM, तो मतलब अभी मीटअप पे सब टाइप का बाइक्स आए हैं, तो अभी देखते हैं और भी पब्लिक आने वाले। अच्छा ऐसा है मैसेज किया है जगह तक, मुंबई बेस से भी राइड ऑर्गेनाइज करो, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाए तुम लोगों के लिए, इतना इनएक्टिव लेके मतलब हाई रिप्लाई के बारे में नहीं करा, क्योंकि सोशल लाइफ या किसी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए। तो इट इज वेरी हैप्पी टू सी कि दिल्ली में इतना बड़े एग्जीक्यूटिव ड्राइविंग वाले मानिक और एक्ट का पॉइंट किया, तो जितना भी वैसे हम पे जो भी क्वेरी रहेंगे आई सॉल्व इट, जो भी राइड ऑर्गेनाइज करेंगे मेरी तरफ से ऑर्गेनाइज करूंगा मैं, और बाकी सब डैनी बात बताएंगे क्या करना क्या। जो प्रपोजल ऑर्डर है मुझे पवन ने सजेस्ट किया था कि देखो हम लोग का एक्चुअली ग्रुप एक ही है, फिर वो ग्रुप में स्प्लिट हो गया ओवर द टाइम, कि हम लोग इनएक्टिव हो गए तो डैनी ने इनिशिएटिव लिया, कल कोई कोई हर कोई आगे इनिशिएटिव लेना चाहेगा कि ग्रुप बढ़ाने, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर पार्ट ऑफ सेम कम्युनिटी, हम लोग एंटो कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, एक एंटो मुंबई को रिप्रेजेंट करते कि ऑल ओवर द महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया कि एंटो मुंबई का यहाँ पे पेज है या फिर एक ये है आपकी बोलर की। तो ये जो प्रपोजल था कि कोलैबोरेशन का, हम लोग कोलैबोरेशन ये कर रहे थे कि ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग इसमें भी दो ग्रुप रहे, हम लोग चाहते कि जो भी हम लोग के साथ राइड करना चाहे वो डैनी को कॉन्टैक्ट करें, डैनी के साथ वर्क करें, अल्टीमेटली हम लोग इतना एक्टिव नहीं है कि हम लोग कोई राइड ऑर्गेनाइज कर पाए, अल्टीमेटली कुछ लोगों ने बाइक सेल आउट कर दिया है, कुछ लोगों ने बाइक फ्रीज कर दिया, तो उतना इनएक्टिव हो गए कि मतलब चांस बहुत कम है हम लोग राइड ऑर्गेनाइज कर पाए। तो ये डैनी ने सिचुएशन दिया है, हम लोग उसके बाद कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो डैनी इसके आगे आप कुछ बोलना चाहोगे? तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम लोग आराम से हम लोग के साथ भी राइड कर सकते हो या तुम लोग पर्सनली भी तुम्हारा भी राइड कर सकते हो, तो इतना ही है, अगर पेज पे तुम लोग एक्टिव है तो तुम लोग हम लोग के इसमें मर्ज कर Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. अभी मीटअप हो गया है और अभी हम लोग निकलने वाले, चल भाई चल भाई मिलते, चल भाई। तो अभी इधर मीटअप मीटअप हो गया और मैं निकला हूँ, अभी इधर पुलिस स्टेशन है बाजू में, बारिश भी मिला आज, और आज बारिश में राइड,
मीटअप में जो डिस्कशन हुआ था आप लोग ने देखा, तो छोटा सा बोलते ना बातचीत था थोड़ा सा, जो मीटअप का बारे में चीज़ें बोलने थे वो क्लियर किया और अभी निकल गए। हमारे में आज पहला राइड हो रहा है मेरा, इतना दिन मैं राइड किया लेकिन मेरे को बारिश में राइड करने नहीं मिला। एक्चुअली मैं बारिश के टाइम बाहर ही नहीं निकलता था, तो बारिश रुकने के बाद ही बाहर निकला हूँ हमेशा, और आज भी आने के टाइम तो बारिश नहीं मिला लेकिन अभी जाते वक्त बारिश मिल गया मेरे को। अभी 10:10 हो गया और इधर अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँचने आया हूँ। बारिश मेरे को पूरे रास्ते पर ही मिला, तो वीडियो कैसा लगा मेरे को बताओ। जो एक्सपेक्टेड किया था वैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन जो मिला दिखाने के लिए वो मैंने बताया। तो वीडियो कैसा लगा मेरे को बताओ, अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करते रहना। तो चलो गाइस मिलते हैं अभी नए ब्लॉग में, बाय गाइस।